क्यों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई दुबई वेव से रिलेटेड। और मैंने आप अगर आप पता है मुझे रेगुलर दुबई के आप रेगुलर व्यूअर हो, आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि भाई जैसे जैसे टाइम निकलेगा गवर्नमेंट फ्लाइटों की संख्या बढ़ा देगी और कुछ रिक्रूटमेंट करेगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है जो लोग बाद में आओगे। ये वीडियो पहले वाले मैं बता चुका हूँ और आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। जी हाँ साथियों, दो बड़े अपडेट आप गवर्नमेंट आज केंद्र सरकार ने आज डिसाइड किए हैं। कल 25 मई से इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट दोबारा से हो जाएगी और नेशनल फ्लाइट डोमेस्टिक है इंडिया कि वो भी दोबारा से स्टार्ट हो रही है। तो क्वारंटाइन को लेके बिग अपडेट आया साथियों, 14 दिन की बजाय गवर्नमेंट ने कम करके 7 दिन कर दिया है। जी हां साथियों, अब गवर्नमेंट आपको 7 दिन रखेगी 14 दिन की बजाय, जिसमें आप चाहो तो सरकारी खर्चे सरकारी क्वार्टर या हॉस्पिटल या फिर संस्था में रह सकते हो या फिर होटल वगैरह में रह सकते हो। सेकंड बिग अपडेट साथियों, 26 मई से लेकर 4 जून तक 50 फ्लाइटों का शेड्यूल दुबई के लिए दिया गया है। जी हां साथियों, आप समझदार आप सोचिए 25 मई से 13 मई तक का तो मिशन भारत है, उसमें सबसे ज्यादा फ्लाइट यूएई को मिली है। 50 फ्लाइटें कम नहीं होती, वो भी 9 दिन के दौरान की बता रहा हूं मैं, आगे फ्लाइटें वो अलग रहेंगी। 9 दिन की 50 फ्लाइट सिर्फ यूएई दुबई से रिलेटेड। तो मुझे लगता है भाई जो इमरजेंसी केस वाले हैं टोटल के टोटल रिकवर हो जाएंगे 9 दिनों के दौरान। तो ये बेस्ट न्यूज है आप लोगों के लिए। तो मैं वीडियो अब क्या बताएं भाई, 50 फ्लाइटों का शेड्यूल तो नहीं बता सकता, मैं कुछ स्टेट बता देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि भाई आपके स्टेट में अगर फ्लाइट जा रही है तो आपके चांसेस पूरे पूरे बनने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा जल्दी करके बता देता हूं इसमें, देखिए ज्यादा बता दूं मैं, 60-70% आपको पता है कोची केरला की है, ये समझ लीजिए। तो उनको तो हम छोड़ देते हैं, कोची केरला हैदराबाद त्रिवेंद्रम चेन्नई उनको छोड़ देते हैं, हम और बात कर लेते हैं। मैं बता दूं जयपुर की साथियों फ्लाइट, राजस्थान की फ्लाइट है, दिल्ली की फ्लाइट है, लखनऊ की फ्लाइट है, ठीक है साथियों, हैदराबाद की फ्लाइट है, दिल्ली में भी बहुत सारी फ्लाइटें हैं, और मैं आगे बात करूं गया बिहार की भी फ्लाइट है साथियों, गोवा की भी फ्लाइट है और चंडीगढ़ पंजाब की भी फ्लाइट है साथियों, बेंगलुरु की भी फ्लाइट है, कोलकाता की भी फ्लाइट है और कोच्ची हैदराबाद। ये फ्लाइटें मैंने आपको इसलिए बताई हैं, इसमें देखिए साथियों मैं बता दूं आपको, पहले ही मैंने बता दिया भाई 70% फ्लाइटें तो उधर की हैं, क्योंकि इसका एक रीज़न है सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उन्हीं के हैं, केरला कोची या त्रिवेंद्रम जो भी हैं उधर के, तिरची वगैरह चेन्नई वगैरह हैदराबाद, उनके ज़्यादा विशाखापट्टनम के लोग उधर ज़्यादा रहते हैं दुबई में उनका है। बाकी में हमारे राजस्थान दिल्ली पंजाब गोवा बिहार बॉम्बे वगैरह मैंने बहुत सारी लगभग फ्लाइटें कवर कर ली गई है दुबई यूएई से रिलेटेड। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा बच जाएगा, आप तैयारी कर लें भाई, कभी भी आपके पास एम्बेसी का कॉल आ सकता है कि सर आप तैयार हैं क्या, आपसे पूछा जाएगा। आपको मैं बता दूं एम्बेसी की तरफ से दोबारा कॉल आता है, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको क्वारंटाइन का खर्चा आपका लगेगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है, टिकट का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये जो भी वो पूछें तो उसकी हाँ में आपको मिलानी पड़ेगी, अगर नहीं मिलाओगे तो भाई आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है, फिर आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। आपको टिकट का पैसा तैयार रखें, हो सकता है यहाँ क्वारंटाइन आपको नहीं करना पड़े, सीधा ही आप घर पहुँच जाओ। तो ये बड़ी बिग न्यूज़ है दुबई से रिलेटेड, तो बहुत बड़ी मैं अच्छी न्यूज़ मानता हूँ। 50 फ्लाइटों में बहुत बंदे रिकवर हो जाएंगे, मेरे पास सबसे ज्यादा दुबई से रिलेटेड ही कॉल आते हैं और फ्लाइट से रिलेटेड ही मैसेज आते हैं। तो भाई 50 फ्लाइट हैं, अब मुझे लगता है कि आप सब लोगों का नंबर आ जाएगा। 4 जून के बाद में भी साथियों जो फ्लाइट का शेड्यूल है वो अलग से रहेगा, ये 4 जून तक का दुबई वे का गवर्नमेंट का अलग से शेड्यूल बनाया गया है। उसके बाद में जितने भी और शेड्यूल रहेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा, अभी उनका शेड्यूल आया नहीं है क्योंकि 4 तक तो ये शेड्यूल चल रहा है। इंडिगो तो दुबई के लिए नहीं है, वो गल्फ के लिए है, बाकी और भी एयर एशिया की फ़्लाइटें रहेंगी उससे रिलेटेड मैं आपको पूरी डिटेल देता रहूँगा। आप यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके रखें ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। आई होप आपको साथियों वीडियो अच्छा लगेगा। दो अपडेट मैंने बिग अपडेट दिए हैं, दोनों मज़ेदार हैं, बहुत ही बढ़िया हैं वर्करों के लिए, जो गरीब लोग हैं बेचारे, खर्चा उनके पास नहीं हो पा रहा था इतना उनको लग रहा था। और टिकट का तो भाई ज़्यादा नहीं लगेगा, टिकट का तो आपको पता है 14-15 हज़ार की टिकट आती है, तो वही खर्चा लगना है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक ज़रूर करें साथियों। आगे मिलते हैं नई अपडेट नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।